Welcome to Code with Vijesh. This is Lecture 12. Again, इस वीडियो में हम ये चीज़ें सीखेंगे कि हम अपनी एक्सेल को किस तरह से ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो इसमें हमारे पास अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें ओरिएंटेशन हो गया, मर्ज हो गया या रैप टेक्स्ट का ऑप्शन हम इस वीडियो में सीखेंगे। आए तो इनको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारी एक डेटा दी गई है, जिसमें स्टूडेंट डेटा आईडी एंड स्टूडेंट नेम, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। तो सबसे पहले हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपने इक्वल टू करना है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। यू विल प्रेस एंटर और यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ पे आके आप परसेंटेज को सिंपली क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि जो आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट राइट अलाइनमेंट में आएगा एंड जो टेक्स्ट डेटा है वो आपके पास लेफ़्ट अलाइनमेंट में आएगी। तो अगर आप इनको चेंज करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप अलाइनमेंट ऑप्शन को यूज़ करेंगे। लाइक ये हमारे डेटा है, मैं इनको चाह रहा हूँ सेंटर पे आ जाए, तो यहाँ पे आके आप सेंटर अलाइनमेंट चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ये डेटा है आप चाह रहे हैं कि सेंटर पे आ जाए तो इनको सिलेक्ट करके अगेन सेंटर, एंड इसको भी हम सेंटर करना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट करके आप इनको सेंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये चीज़ें हैं आप इनको भी सेंटर करना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट करके अगेन आप इनको सेंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट नेम जो है वो कंप्लीट नहीं आ रहा, ठीक है। तो इनकी हाइट इंक्रीज़ करने के लिए आप यहाँ पे आगे जब डबल क्लिक करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली फिट द सेल, ठीक है। और यहाँ पर डबल क्लिक कर लें अगेन, यहाँ पर डबल क्लिक कर लिया और यहाँ पर डबल क्लिक कर लिया। ये जो आपको तीन ऑप्शन है, लेफ़्ट अलाइन, राइट एंड सेंटर, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल के ऑप्शन होते हैं। अगर आपने ये ऑप्शन यूज़ करने लाइक मिडिल, टॉप एंड दिस, तो इसके लिए आपके पास हाइट कुछ होनी चाहिए। तो ये आपके पास हाइट के ऑप्शन है। लाइक अगर मैं इनकी हाइट इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो अब यहाँ पे आके ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपने यहाँ पे सेंटर कर दिया या यहाँ पे टॉप कर दिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन तब होंगे जब आपके पास कुछ ना कुछ हाइट होगी। तो अब हम मर्ज ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मर्ज क्या करता है, कंबाइन द सेल्स। अगर आपने कोई भी सेल कंबाइन करने हैं तो उसके लिए आप मर्ज ऑप्शन यूज़ करेंगे। इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आके आप मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इनको क्लिक करके अगर मैं इनको कोई भी कलर अप्लाई कर लूँ तो यहाँ पर फिल कलर कर लेते हैं कोई भी, ठीक है। उसके बाद अगर आप बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट करके इनको सिंपली बॉर्डर दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप सपोज़ कोई डेटा यहाँ पे लिख रहे हैं, लाइक आपने लिख दिया कोड विथ विजेश, ठीक है। और अब देख रहे हैं कि टेक्स्ट आपका दूसरे सेल में जा रहा है, तो इनको आप अगर फिट करना चाह रहे हैं एक ही सेल में तो उसके लिए आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे, इट विल ऑटोमेटिकली फिट, ठीक है। तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास डिफरेंट ओरिएंटेशन के ऑप्शन होते हैं। लाइक आपने अगर इनकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है तो आप इनको सिंपली सिलेक्ट करके और यहाँ पे आके ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कोई भी ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको सिंपली सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इनको आप कोई भी कलर वगैरह असाइन करना चाह रहे हैं तो इनको आप यहाँ पर कोई भी कलर चेंज कर लें। लाइक मैं यहाँ पर वाइट कर देता हूँ एंड शेडिंग इसकी ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए डिफरेंट अलाइनमेंट के ऑप्शन। तो ये हमारे पास ओरिएंटेशन ऑप्शन था, ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास अलाइनमेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये आपके पास मर्ज एंड सेंटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी शीट है इनको हम कन्वर्ट करेंगे इस तरह की एक ब्यूटीफुल शीट में। तो कंप्लीट वीडियो देखें एंड होपफुली यू विल नो कि हम इसको, इस शीट को हम इस फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी ऑप्शन हमने लेक्चर 11 एंड 12 में सीखा है उन्हीं ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम इनको ब्यूटीफुल बनाएंगे। तो अब हम ये सीखेंगे कि हम अपनी इस एक्सेल शीट को किस तरह से ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक जहाँ तक हमारी डेटा है यू तक, ठीक है। इनको हम मर्ज कर लेते हैं, उसके बाद इनकी थोड़ी हाइट बढ़ा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको हम सेंटर कर लेते हैं, इनकी फॉन्ट साइज़ थोड़ी इंक्रीज़ कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे आके एक लाइक कलर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगेन इनको सेलेक्ट करेंगे एंड इट विल गो टिल द कॉलम यू, ठीक है। उसके बाद हम इनको बोल्ड कर लेंगे, तो बोल्ड के लिए बी
एंड अगेन इटैलिक करना है तो इटैलिक भी कर सकते हैं। उसके बाद हम एक अंडरलाइन देंगे जो सिंपली हमारे पास बॉटम में आएगी या थिक ये वाली बॉर्डर हम इनको दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है, इनको हमने सिंपली डेटा को हाईलाइट ही करना है तो इनको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आके कोई ना कोई कलर सिंपली अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने सबको बॉर्डर देना है तो बॉर्डर देने के लिए सिंपली हम इनको सिलेक्ट करेंगे एंड इट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई दी बॉर्डर, तो सिलेक्ट हो जाएगा सबसे पहले। तो डेटा को सिलेक्ट कर लें, उनके बाद आप यहाँ पे आके ऑल बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ नाम है लाइक स्टूडेंट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। तो इनकी अगर थोड़ी हाइट हम बढ़ा लें तो हाइट भी बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 थी उनकी ओरिएंटेशन चेंज थी तो इनकी ओरिएंटेशन हम सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। तो ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए यहाँ पे आके इनको वर्टिकल अप कर लेते हैं, ठीक है, या सिंपली वर्टिकल डाउन, ठीक है। तो वर्टिकल अप ही कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनकी थोड़ी हाइट इंक्रीज़ कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएंगे। इनको हम सिंपली सेंटर में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि इनकी हमें हाइट विड्थ चेंज करनी है तो फॉर्मेट में आके सिंपली आप यहाँ पे कॉलम विड्थ में आके इनकी कॉलम डिक्रीज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आके सिंपली इनकी हाइट कर लेते हैं 5, ठीक है। तो ओके कर लेंगे तो ये हमारे पास हो गया। अगेन अगर इनको ही आप ओरिएंटेशन चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आके सिंपली आप ओरिएंटेशन चेंज कर लेंगे और अगेन इनको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर कर देंगे। इनको हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे कोई भी कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आप सिंपली आके कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो इनका कलर मैं सिंपली ये कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो जो हमारी शीट थी नेक्स्ट उसमें हमने इनको सेल स्टाइल में आके टोटल अप्लाई किया हुआ है तो आप ये भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से हम अपनी एक्सेल शीट को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। होपफुली इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम ये चीज़ें सीखेंगे कि एक्सेल की मदद से आप फाइवर पे कौन कौन सी स्किल दे सकते हैं, लाइक कौन कौन से टास्क या कौन कौन सी सर्विसेज आप ऑफर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।